नीतीश कुमार के बेहद करीबी और नौकरशाह से राजनेता बने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला बोला है। बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था के लिए उन्होंने नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। सीएम पर निशाना साधते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि बड़े भाई और छोटे भाई ने 33 सालों के शासनकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रख दिया। कभी गांव में पढ़ाई कर मैंने यूपीएससी पास की, आज पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। नीतीश कुमार कुर्सी की चिंता में डूबे हैं। आरसीपी सिंह ने इतना ही नहीं, आगे यह भी कहा कि पिछले 33 सालों में लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार बिहार में है और शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। कभी हमारा बिहार ज्ञान की भूमि के रूप में जाना जाता था। तक्षशिला, नालंदा और उदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय बिहार में थे जहाँ विदेशों से छात्र पढ़ने आते थे, लेकिन आज हमारी शैक्षणिक पहचान इतनी नीचे गिर चुकी है कि विश्वास ही नहीं होता। सरकारी स्कूलों में प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट तक कोई पढ़ाई नहीं होती, कॉलेजों में पढ़ाई चौपट है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आरसीपी सिंह ने जातीय जनगणना में शिक्षकों को लगाने पर भी सवाल उठाया है और कहा कि पढ़ाई लिखाई का काम छोड़कर अब शिक्षक यही करेंगे और कभी जातीय गणना, कभी पशु गणना, कभी जनगणना तो कभी चुनाव, कभी शराबबंदी जैसे कामों में लगे रहेंगे, जब भी उनका काम बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन नीतीश सरकार ने सब कुछ खराब कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।